नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल के अंदर फंसे 40 मजदूरों को निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। रविवार को टनल के अंदर भूस्खलन में करीब 40 मजदूर फंसे हुए हैं। वहीं सिलक्यारा टनल दुर्घटना में आज का दिन महत्वपूर्ण हो सकता है। प्लान के मुताबिक देर रात देहरादून से पहुंची है ऑगर ड्रिलिंग मशीन और इसके जरिए मलबे में 900 मिलीमीटर की बोरिंग की जा रही है और इसके साथ ही ह्यूम पाइप को डाला जा रहा है और फिर ह्यूम पाइप डालकर फंसे हुए श्रमिकों के लिए रास्ता बनाया जाएगा। इसके बाद मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। तो बोरिंग में ह्यूम पाइप डालकर उन तमाम मजदूरों को निकाला जाएगा जो दो दिन से लगातार अंदर ही फंसे हुए हैं। हालांकि खाने की आपूर्ति, पानी की, ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके 40 जिंदगियां अभी जंग लड़ रही हैं। इसमें ओडिशा के भी 5 मजदूर हैं, बंगाल के 3 मजदूर हैं, यूपी के भी 7 से 8 लोग बताए जा रहे हैं और असम के 2 मजदूर हैं, जबकि सबसे ज्यादा झारखंड के 13 लोग अंदर फंसे हुए हैं। ये मशीन ड्रिल मशीन में प्रेशर में जाते हैं, प्रेशर से ये मलबा पूरा पार निकलेगा। हाँ। तो पाइप पाते गया अंदर जाते रहेगा, उसमें से अंदर का बंदा पार निकल सकते। तो जब जो ह्यूम पाइप है उनको अंदर डाला जाएगा, मशीन भी उसी के साथ साथ काम, मशीन भी साथ साथ में जा रहा है, पाइप भी जाएगा, मशीन ड्रिल होता जाएगा। हाँ। जा रहे। अगर मलबे में कहीं कोई चट्टान आ गई या कुछ पत्थर आ गया तो उस चट्टान को कैसे तोड़ेंगे? अभी पिट से तोड़ जाएगा, उसके पिट अलग से आता है, डायमंड पिट है, वो तोड़ के पूरा बाहर निकल देगा। तो प्लान बी के तहत बोरिंग ऑपरेशन शुरू करने से पहले टनल के अंदर पूजा पाठ भी करवाया गया। भगवान से प्रार्थना की गई कि ऑपरेशन में कामयाबी मिले, सफलता हासिल हो। कंपनी वालों ने थोड़ा बोला है कि भगवान की एक प्रार्थना हो जाए, थोड़ा पूजा कर लीजिए। मैंने कहा चलो आ जाओ। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम केवलम शंखपाली प्रदेशा से तक्षति काली शेषम सर्वे काली अनागा ये कपड़ा अनंता हे वासुकी तक्ष नाग राजा जो ध्यान दयावी पृथ्वी वंदे सनातन सुख सेम का है। हे वोखनाग देवता, आपकी वंदना करता हूँ कि जो अंदर फंसे हुए लोग हैं सारे बाहर। कंपनी वालों ने तो रेस्क्यू का काम लगातार चल रहा है। उत्तरकाशी टनल हादसे के रेस्क्यू को लेकर लगातार अपडेट भी हम आपको दे रहे हैं। सरकार ने इस हादसे की जांच के भी आदेश दिए हैं। उत्तराखंड सरकार ने सुरंग दुर्घटना की जांच के लिए 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। यानी कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, कैसे यह हादसा हुआ, कैसे लोग अंदर फंस गए, कैसे वो मजदूर जो यहाँ पर काम कर रहे थे निर्माणाधीन टनल में, क्या भूस्खलन हुआ या फिर कोई और वजह इसके पीछे रही, इन सभी चीजों को लेकर जांच चल रही है। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। 6 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया है जांच के लिए, लेकिन साथ ही साथ सबसे ज्यादा जरूरी जो इस वक्त है वो है रेस्क्यू करना, उन 40 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालना जो दो दिन से अंदर फंसे हुए हैं। और टनल हादसे की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है उत्तराखंड सरकार की ओर से। तो 50 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और लगातार टनल में फंसे हुए अंदर लोगों को निकालने की कवायद जारी है, रेस्क्यू लगातार जारी है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में 50 घंटे से 40 मजदूर फंसे हुए हैं जिनको बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू जारी है। फंसे हुए मजदूरों के लिए पाइप के जरिए जरूरी खाने की चीजें भेजी जा रही है। इसका एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आया है और इसके साथ ही पाइप के जरिए मजदूरों से बात करने की भी कोशिश की जा रही है। देहरादून से ऑगर ड्रिलिंग मशीन साइट पर आ गई है। उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही सभी सकुशल बाहर निकाल लिए जाएंगे। तो पिछले कई घंटों से जारी है मिशन उत्तरकाशी और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बन रही सुरंग में हादसा हुआ, 40 जिंदगियों पर संकट बना हुआ है। जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, दिवाली की सुबह टनल में लैंडस्लाइड हुआ,
40 श्रमिक अंदर फंस गए। उम्मीद है कि जल्द ही सबको सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके पर जाकर निरीक्षण कर चुके हैं तो पीएम मोदी भी रेस्क्यू की हर अपडेट और रिपोर्ट ले रहे हैं। अब बस इंतजार है तो सिर्फ उस घड़ी का जब खबर आएगी कि मिशन उत्तरकाशी कामयाब हुआ। उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर जानकारी ली है। सीएम धामी ने बताया कि पीएम मोदी ने फोन के माध्यम से उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल में फंसे श्रमिकों के बारे में जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव कार्यों की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न राज्यों और केंद्रीय एजेंसियां परस्पर समन्वय और तत्परता के साथ राहत बचाव कार्य में जुटी हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री दो बार मुख्यमंत्री धामी से हादसे की जानकारी ले चुके हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रेल मंत्री भी मुख्यमंत्री से बात करके हादसे की जानकारी ले चुके। सीएम ने कहा, उन्होंने स्वयं मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया और बचाव कार्यों पर लगातार नजर वो रखे हुए हैं। बचाव कार्य के लिए बड़े व्यास के फ्यूम पाइप हरिद्वार और देहरादून से भेजे जाने की व्यवस्था कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सुरंग के अंदर फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं, उन्हें जल्द बाहर निकालने की कोशिश जारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस पर बहुत चिंता व्यक्त करी और उन्होंने दूरभाष पर सारी जानकारी ली और बचाव के लिए हर संभव जो भी सहायता केंद्र की तरफ से हो सकती है उन्होंने हमको आश्वासन दिया है और केंद्र की जितनी भी एजेंसियां इस पर काम करती हैं टनल के क्षेत्र में जिनकी विशेषज्ञता है सारे के सारे वहां पर काम कर रहे हैं। उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे में यूपी के श्रावस्ती जिले के रहने वाले 6 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं। इसकी जानकारी मिलने के बाद से ही मजदूरों के गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, परिवार वाले परेशान हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टनल में फंसे श्रावस्ती जिले के मजदूरों के परिवार वालों से फोन पर बातचीत की है। सीएम ने टनल में फंसे मजदूरों की स्थिति उनके परिजनों को बताई है और जल्द उनका रेस्क्यू पूरा करने का भरोसा दिया है। और वही खबर आ रहा है उधर से, हमारा जीजा भी है उधर, तो जीजा बोल रहे हैं कि सब सही है, खाना पीना जा रहा है। अभी मुख्यमंत्री से बात हुआ तो बोले कि सब सही है, स्वयं मैं गया था इसे बोल रहे थे सर, लेकिन हमारा यही मानना है कि निकल जाएं आराम से, जैसे गए वैसे आ जाएं। अभी आज मैं खुद स्वयं गया हूँ वहाँ पर, सबके लिए खाना वाना अंदर सब जा रहा है जी। और पानी भी अंदर गया है, अंदर भेज दिया है, कंप्रेसर से सब अंदर जा रहा है पाइप से, उनके लिए ऑक्सीजन की भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, अंदर बिजली पानी सब है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर रहने के लिए भी ठीक जगह है, बस जल्दी जल्दी रास्ता बना रहे हैं, जैसे ही हो जाएगा तो बाहर निकल जाएंगे उन लोग, ठीक है ना। तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है टनल में फंसे लोगों के लिए परिजनों की चिंता भी बढ़ने लगी है, लेकिन धीरे धीरे लोग दुर्घटना साइट पर पहुंचने लगे हैं। कोटद्वार से पहुंचे प्रेम सिंह नेगी का भाई गोवर्धन भी टनल में फंसा हुआ है। कोटद्वार से आया हूं, जब हमको कल को पता चला कि मेरा भाई फंसा है उधर, तो हम कल दोपहर में घर से निकल गए थे, हम तो तब से मतलब खाना पीना ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ के पता चला कि यहाँ की मतलब इतनी व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि आज 48-50 घंटे हो गए ऐसे कोई मशीन हमको दिखाई नहीं दी है। तो यहाँ बोला कि ये मशीन आई है देहरादून से, आई अंदर लगी है, लेकिन अंदर भी पाइप वाली गाड़ी भी आई हुई है। और चलिए सीधा रुख करते हैं सुनील और प्रभात, ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुनील सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, लगातार हमें सुबह से ही अपडेट भी दे रहे हैं, और आज का दिन सुनील बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज एग्जीक्यूशन का दिन है। कल रात से ही हम देख रहे हैं लगातार तैयारियां की जा रही है और कोशिश ये की जाएगी अब मजदूरों को डायरेक्ट निकाल लिया जाए, यानी कि पहले कहा जा रहा था मलबा हटाया जाएगा, लेकिन अब मलबा नहीं हटाया जा सकता क्योंकि भूस्खलन रुकेगा नहीं, लैंडस्लाइड दोबारा हो सकता है। तो ऐसे में आज एग्जीक्यूशन का दिन है, कितना अहम आज का दिन हो जाता है और साथ ही कैसी है तैयारी वहां पर इस वक्त, मशीनें भी क्योंकि पहुंच गई होंगी, एम्बुलेंस भी होगी, तमाम तस्वीरें दिखाइएगा।
देखिए सीनम, आपका जवाब देने से पहले मैं एक बड़ी खुशखबरी आपके माध्यम से उन तमाम दर्शकों को और उन परिजनों को जिनके शुभचिंतक यहाँ पर फंसे हुए हैं उनको देना चाहूँगा कि अब से कुछ देर पहले जो 40 श्रमिक फंसे हैं उनका जो लीडरशिप कर रहे हैं सुपरवाइजर गोवर्धन नेगी, उनके बेटे भी कोटद्वार से यहाँ पर पहुँचे हैं। वो टनल के अंदर गए और पाइप से जो पाइप के जरिए जो कम्युनिकेशन उन मजदूरों से बन रहा है उनके साथ उनकी बातचीत हुई, यानी कि अपने पिता के साथ आकाश, उनके बेटे का नाम है आकाश, की बातचीत हुई। तो ये बताया गया कि 40 के 40 श्रमिक टनल के दूसरी पार जो फंसे हुए हैं वो सुरक्षित हैं, ठीक ठाक हालत में हैं। बाकायदा जो सुपरवाइजर गोवर्धन नेगी वहाँ पर फंसे हुए हैं, उन्होंने अपने बेटे से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम एक दो दिन में बाहर आ जाएंगे, आप घर वालों को भी बता दीजिए, हम सब लोग यहाँ पर ठीक से हैं। तो ये बड़ी अच्छी खबर है उन तमाम लोगों के लिए जो इस ऑपरेशन पर पूरी तरह से निगाह बनाए हुए हैं, जो इस ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। अब जहाँ तक रही रेस के ऑपरेशन की बात, जो आगर मशीन यहाँ पर पहुँची है उसका इंस्टॉलेशन का काम 2 घंटे पहले कंप्लीट किया जा चुका है, बोरिंग का काम शुरू हो चुका है। लेकिन कल जो 21 मीटर जो मलबा टनल के अंदर से हटाया गया था वो लूज एक बार फिर से गिर गया है, यानी कि 21 मीटर जो हम आगे बढ़े थे वो 21 मीटर एक बार फिर से मलबे से भर गया है। लेकिन अब मलबा हटाने का ऑपरेशन बंद करके अब बोरिंग का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मलबे के ऊपर से बोरिंग की जाएगी, यानी कि मलबे के ऊपर से और टनल की छत के बीच, ताकि कम से कम प्रेशर मशीन पर पड़े, वहाँ से बोरिंग शुरू की जाएगी। और सामने आप देख रहे हैं टनल के मुहाने पर जो ह्यूम पाइप हैं, 2-3 गाड़ियाँ इन ह्यूम पाइप की टनल के अंदर जा चुकी हैं। इन ह्यूम पाइप को मलबे के ऊपर से टनल की छत से लगते हुए इंसर्ट किया जाएगा। इसका काम शुरू हो चुका है एक्सपर्ट की मौजूदगी में। टनल के भीतर आप देख सकते हैं कि टनल के गेट पर वहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दिया गया है, क्योंकि अब यहाँ पर कोई मैन पावर की आवश्यकता नहीं है। अब जो भी काम होगा वो मशीनों के जरिए होगा, जो बोरिंग मशीन यहाँ पर लाई गई है। बोरिंग मशीन का वैकल्पिक तौर पे भी छोटी बोरिंग मशीन एक आप देख सकते हैं टनल के बाहर खड़ी है। अंदर जो मशीन है वो 900 mm का होल करेगी, ये बाहर जो मशीन है ये 30 mm का होल करती है। तो ये ऑप्शनल तौर पर यहाँ पर रखी गई है, यदि बाई द वे अंदर की मशीन में कुछ खामी आती है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, तो उसके बाद ये छोटी मशीन वहाँ पर काम करना शुरू कर देगी। तो सबकी उम्मीदें हैं कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुँचाया जाए। जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर बताते हैं कि इस ऑपरेशन को कम्प्लीट करने में अभी भी 24 घंटे का, कम से कम 24 घंटे का समय इस ऑपरेशन में लग सकता है। लेकिन ये सबके लिए एक खुशखबरी है उन तमाम लोगों के लिए जो इस ऑपरेशन में पिछले 2400 घंटे से 48 घंटे से यहाँ पर जुटे हुए हैं, उनको ये बात जरूर ऊर्जा देगी कि जो 40 के 40 लोग अंदर हैं उनके अंदर अभी भी जोश, अभी भी जज्बा है और अभी भी वो लोग सकुशल अंदर हैं। जी बिल्कुल सुनील, और ऑगर मशीन जो यहाँ पर पहुंची हुई है जिसके जरिए बोरिंग का काम किया जाएगा और ड्रिलिंग जिससे शुरू हो भी चुकी है, ये इस मशीन की क्या खासियत है? एक्सपर्ट से आपने बातचीत की होगी, किस तरह से ये काम करती है और किस तरह से ये उन 40 मजदूरों को, 40 जिंदगियों को बचाकर ले आई? देखिए अभी हमारे दर्शकों ने आपके माध्यम से देखा कि पालनी मुथु से हमने बात की थी। पालनी मुथु ठीक जो बोरिंग मशीन है आप देख सकते हैं, जो हमने विकल्प के तौर पे बताई थी, ये बोरिंग मशीन जो दूसरी बोरिंग मशीन है इसके संचालक हैं, इसके ऑपरेटर हैं। पालनी मुथु से जब हमारी बातचीत हुई उनका कहना था कि ये सक्सेस ऑपरेशन होता है और इस तरह के हादसों में यही एकमात्र विकल्प बचता है कि आप बोरिंग करें, ह्यूम पाइप के जरिए रास्ता बनाएं। उन्होंने हिमाचल का उदाहरण दिया कि हिमाचल में भी एक दुर्घटना में ठीक इसी तरह से बोरिंग की गई थी, इसी तरह से ह्यूम पाइप इंसर्ट किए गए थे और 25 लोगों की जान वहाँ पर बचाई गई थी। तो एक उम्मीद बनाता है और ये उम्मीद है कि इसी ऑपरेशन के जरिए, जो ऑपरेशन 2 जो बैकअप में जो प्लान रखा गया था जिसको अब अमली जामा पहनाया जा रहा है, इसी ऑपरेशन के जरिए 40 के 40 लोगों की जिंदगियां बचा ली जाएगी। जो बोरिंग मशीन है वो मलबे के ठीक ऊपर से बोरिंग करना शुरू करेगी, जब वो मलबे के ऊपर और टनल की छत से लगते हुए इंसल्ट होगी तो जो भी मलबा आएगा उस मलबे को बाहर फेंकेगी और टनल मशीन आगे बढ़ती जाएगी। मशीन के साथ साथ ये ह्यूम पाइप उसमें इंसर्ट किए जाएंगे और जो जानकारी अभी तक आई है ये जो डिस्टेंस है 50 से 60 मीटर तक हो सकती है, यानी कि 900 mm के ये ह्यूम पाइप करीब 50 से 60 मीटर की डिस्टेंस में ये ह्यूम पाइप लगाए जाएंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि ह्यूम पाइप जब इस लूज मलबे के दूसरी पार जाएंगे तो वहाँ पर जो 40 जिंदगियाँ हैं उनको एक एक करके इन ह्यूम पाइप के जरिए, इन ह्यूम पाइप के अंदर से वो बाहर निकलेंगे, इनके जरिए उनको सकुशल बचा लिया जाएगा।
जो एक्सपर्ट से हमारी बातचीत हुई है, इस ह्यूम पाइप को इंसर्ट करने में आप देखेंगे कि अगर 3 से 4 मीटर लंबा अगर एक ह्यूम पाइप है तो कम से कम 1 मीटर ह्यूम पाइप को अंदर डालने में, इंसर्ट करने में कम से कम 1 घंटे का समय लगता है। तो यही ड्यूरेशन कुछ आंकलन किया गया है कि इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में 24 घंटे तक का समय लग सकता है, यानी कि कल सुबह या फिर कल शाम तक, या बहुत संभव है अगर सब कुछ अच्छा रहा, कोई व्यवधान इसमें नहीं आया, तो आज देर रात तक भी आप सबके लिए, तमाम दर्शकों के लिए एक अच्छी खबर आ सकती है कि जो 40 जिंदगियां पिछले 50 घंटे से दूसरी पार हैं उन तक हम लोग पहुँच चुके हैं या उन लोगों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। जी बिल्कुल सुनील, वाकई एक बड़ा ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन जिंदगी के तहत हम देख रहे हैं कि लगातार कोशिशें तो की जा रही हैं और जैसा कि आपने समय का भी अंदाजा बताया कि लगभग 24 घंटे लग सकते हैं इस पूरे ऑपरेशन में। बहुत शुक्रिया आपने तमाम जानकारी विस्तार से दी। तो 900 मिलीमीटर व्यास की ह्यूम पाइप भी डाली जा रही है, बोरिंग का काम होगा और उसके बाद उन 40 लोगों को निकाला जाएगा। रामनगर में बाघ का आतंक लगातार जारी है। कॉबे टाइगर रिजर्व के ढिकाला में एक मजदूर पर बाघ ने हमला कर दिया जिसमें उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ढिकाला में झाड़ियों में छिपे एक बाघ ने नेपाली मूल के एक मजदूर पर हमला कर उसे घायल कर दिया। मौके पर मौजूद बाकी के लोगों ने शोर मचाया, तब जाकर बाघ वहां से भागा। वहीं घायल मजदूर को अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। रोड से थोड़ा ही अंदर, 10-12 मीटर अंदर होगा रोड से, और मेरे पापा थे वहीं। पापा ने जैसे उसको मारा, पापा ने उसको टाइगर को मारा, वो छोड़ ही नहीं रहा। बाद में वो चातावन में जाके उसको मारा, हल्ला किया, हल्ला करने के बाद तब उसने छोड़ा, तो वहाँ से उठा के हम ले आए। और कुछ थे, 3 फायर किए थे। चंपावत जिले के टनकपुर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पर ट्रेन की चपेट में आने से एक 17 साल के लड़के का पैर कटकर अलग हो गया। बताया जा रहा है कि लड़का रेल की पटरी पर बैठा था, जैसे ही ट्रेन का सिग्नल हुआ लड़के ने उठने की कोशिश की लेकिन उसका पैर पटरी में फंस गया, जिस कारण रेल का इंजन युवक के दाहिने पैर से गुजरता हुआ निकल गया। सूचना के बाद मौके पर पुलिस और एम्बुलेंस पहुंची। युवक की गंभीर हालत देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे हल्द्वानी रेफर कर दिया गया। देखने पर पता चला कि उसका दाहिना पैर नीचे से बिल्कुल कटकर अलग हो गया है। उसका प्राथमिक उपचार तो कर दिया है लेकिन पूरा पैर अलग हो गया है, इसका आगे का पूरा जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ संभव नहीं है, उच्च संस्थान में ही संभव है। इसके लिए हमने उसे हल्द्वानी सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है, अब आगे का इलाज उसका वहीं चलेगा। रामनगर में कोविड का निकाला जोन 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। इसके साथ ही वहां पर नाइट स्टे भी शुरू हो जाएगा, लेकिन इस बार यहां पर हुई बेतहाशा शुल्क वृद्धि से पर्यटन कारोबारी अच्छे कारोबार को लेकर शंका में है। इस बार से जहां पर्यटकों को ज्यादा शुल्क देकर कोविड में जाना होगा, वहीं कैमरे ले जाने पर भी शुल्क लगा दिया गया है। वहीं कोविड प्रशासन का कहना है कि कोविड की एडवांस बुकिंग फुल चल रही है, नाइट स्टे के लिए भी कुछ ही घंटों में पार्क की सभी बुकिंग फुल हो रही है, इसलिए शुल्क वृद्धि का कोई असर पर्यटकों पर नहीं पड़ रहा है। बहुत अच्छी बुकिंग्स ढिकाला में भी देखी गई हैं, जो कि 15 नवंबर से खुल जाएगा। इस संबंध में मैंने भी अभी फील्ड भ्रमण किया था और मुख्यमंत्री प्रतिपालक द्वारा भी इस क्षेत्र का दौरा किया गया था। जो निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं उसका हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट आज बंद होंगे। गंगोत्री धाम के कपाट आज सुबह 11:45 पर बंद कर दिए जाएंगे, जिसके बाद 12 बजे दोपहर में मां गंगा की उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास मुखबा के लिए रवाना होगी, जिसकी तैयारी गंगोत्री धाम में जोरों पर चल रही है। मां गंगा के स्वागत के लिए मुखबा में भी तैयारी जोरों पर है। सेना बैंड की धुन के साथ उत्सव डोली मुखबा के लिए निकलेगी। आज ठीक 11:45 पर माँ भगवती गंगे के कपाट शीतकालीन दर्शनों के लिए बंद कर दिए जाएंगे और अब इसके बाद माँ गंगा के जो दर्शन हैं वो शीतकालीन मठ मुखबा में होंगे। आज रात्रि को माँ गंगा जी भगवती के मंदिर में, मारकंडे के पास भगवती का मंदिर है, वहाँ पर निवास करेगी। ठीक 11:45 भगवती गंगे के कपाट बंद होकर के माँ गंगा जी यहाँ से प्रस्थान करेगी, थोड़ी देर बैरम वाड़ी में विश्राम करेगी और उसके बाद माँ गंगा जी के दर्शन शीतकालीन प्रवास मुखबा में होंगे।
पहाड़ों पर दो दिन पहले हुई बर्फबारी के बाद मौसम सुहाना हो गया है। नीलकंठ पर्वत पर नारायण पर्वत की चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं। काफी मनमोहक ये चोटियां दिखाई दे रही हैं। बद्रीनाथ धाम में भी सुबह तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने पहुंचे। हर दिन 3,000 तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं और अभी तक बद्रीनाथ धाम में 17,93,000 यात्री बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। रुद्रप्रयाग में इन दिनों कई जगहों पर रामलीला का मंचन हो रहा है। नरकोटा गांव में भी रामलीला हो रही है। पहाड़ों में नवरात्रों में रामलीला का मंचन नहीं होता है क्योंकि नवरात्रों के दौरान पहाड़ में खेती का काम किया जाता है, इसलिए इस वक्त पहाड़ में कई जगह पर रामलीला होती है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें आप, रामलीला का मंचन कई जगहों पर पहाड़ों में इस दौरान होता है। इन दिनों पहाड़ों पर कई जगहों पर रामलीला मंचन होता है क्योंकि खेती उस वक्त की जाती है जब बाकी जगहों पर रामलीला हो रही होती है, यानी कि नवरात्रों के वक्त वहां पर रामलीला नहीं की जाती है। Oh, my God.